नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि गाड़ियां सीसी पे आती हैं, इतने सीसी का इंजन है, 125 सीसी का, तो 100 सीसी का, 97 सीसी का, यानी तमाम प्रकार की सीसी पे इंजन आते हैं गाड़ियों के। लेकिन ये ट्रैक्टर में HP क्यों आता है, आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ में हैं मिस्टर पाठक जी, ये आपको परिचय भी अपनी बताएंगे और इसके साथ CC और HP में अंतर बताएंगे कि CC में और HP में क्या अंतर होता है, इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इनसे बातचीत करता हूं। तो मिस्टर पाठक जी, पहले तो आप अपना परिचय बताएँ, फिर उसके बाद CC और HP के बारे में बताएं। सर मेरा नाम नरेश पाठक है, मैं अपना कृषि केंद्र स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्स का काम करता हूं। जी। और जैसे आपने HP और CC का बोला सर, जी। तो जैसे बाइक हुई, कोई 100 CC की होती है, कोई 110 CC की होती जी। है कोई 125 CC की होती, इसी प्रकार कार का भी रहता है, वो भी CC से इंजन आता है जी। बस का भी CC से आता है जी। और ट्रक वगैरह का भी CC से आता है, यानी कि हर एक वाहन CC से होते हैं जी। इसी प्रकार ट्रैक्टर भी CC से होते हैं। हमारे किसान भाइयों को अभी ये नॉलेज नहीं है, कोई बोलता है कि भाई इस कंपनी का ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाता है, कोई बोलता है उस कंपनी का ज़्यादा खाता है। एक्चुअल यदि CC एक बराबर होगी हर एक ट्रैक्टर की, तो वो डीजल एक सा लेगा कोई भी कंपनी। ट्रैक्टर की सभी कंपनियां अच्छी हैं, देखो फैक्ट्री वाले कितनी कंपनी बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके फैक्ट्री बनाते हैं। ट्रैक्टर तो सभी कंपनी के अच्छे होते हैं, और यदि इंजन की CC एक बराबर है भाई साहब, तो डीजल बिल्कुल एक, यानी कि बिल्कुल डीजल में अंतर नहीं आएगा, एक सा डीजल खाएगा कोई भी ट्रैक्टर। तो मिस्टर पाठक जी, एक चीज़ आप और बताएं, जैसे ट्रैक्टर कितने सिलेंडर का होता है, ट्रैक्टर को देख करके पैसे कैसे पता चलेगा कि कितने सिलेंडर का ट्रैक्टर है, इसके बारे में थोड़ी बताएंगे हैं? जैसे हमारी स्वराज कंपनी है यादव जी, तो एक सिलेंडर से लेके ये 4 सिलेंडर तक की गाड़ी अभी वर्तमान में अपने MP में लॉन्च की है। और जैसे हमारा 717 गाड़ी होगी और 724 है, तो एक सिलेंडर बनाती है 724, दो सिलेंडर में आती है। 834 है, ये 3 सिलेंडर में आती है। 834 से लेके 963 तक की जितने मॉडल हैं हमारे पास, सभी 3 सिलेंडर में आती है। हाँ, सिर्फ एक मॉडल है हमारे यहाँ 841 जी, ये 4 सिलेंडर में आता है। बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए रोज़ व्हीकल से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।